नमस्कार दोस्तों, करीब एक महीना पहले एक कपल मेरे पास काउंसलिंग के लिए आता है। वो लेडी अपने हस्बैंड के काउंसलिंग के लिए उन्हें लेकर आई थी। मैंने जब उस लेडी से पूछा कि आपके हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम है, तब उसने बताया कि मेरे हस्बैंड अक्सर चुपचाप गुमसुम से खामोश से रहते हैं, जबकि उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं तब भी वो किसी से शेयर नहीं करते। उनके फादर की डेथ हुई, जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच थे, वो तब भी नहीं रोए, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्हें 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ, लेकिन तब भी उन्होंने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। मुझे डर है कहीं अंदर ही अंदर इनको कुछ हो ना जाए। जब मैंने उनके हस्बैंड से बात की, तब मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगता है, क्या फील आता है, आप चुपचाप रहते हैं, क्या आपका बोलने का मन नहीं करता। तब उसके हस्बैंड ने बड़े इमोशनल वे में बोला कि मैम, मेरा दिल करता है मैं जोर से रो पड़ूं, चीखे मार कर रो पड़ूं। तो मैंने उनको बोला कि डिप्रेशन का इलाज तो आपके पास खुद ने ही आपने बता दिया, एक बार रो लीजिए, मन हल्का हो जाएगा, डिप्रेशन से आप निकल आएंगे। तो उन्होंने बड़े फिल्मी स्टाइल में, बड़े स्टाइल से मुझे बोला कि मैम, आपको पता नहीं है कि मर्द रोते नहीं हैं। मैंने कहा, मर्द रोते नहीं हैं, ये क्या लॉजिक हुआ। तब उन्होंने कहा कि मैम, आपने अमिताभ बच्चन जी की मूवी का डायलॉग नहीं सुना कि मर्द को दर्द नहीं होता। अब ये बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने उनको समझाया कि दर्द का और मर्द होने से या लेडी होने से क्या ताल्लुक है। जैसे एक लेडी हार्ड मास से बनी है, ऐसे ही एक आदमी भी बना है। जैसे एक लेडी को दर्द होता है, जैसे एक लेडीज के अंदर इमोशंस होती हैं, ऐसे ही जेंट्स के अंदर भी होती है। लेकिन वो मेरी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। उनकी मैंने NLP की काउंसलिंग तो की, उनको कुछ टेक्निक्स दी जिसका उन्हें बाद में रिजल्ट भी मिला, जो कि मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी। मैंने उन्हें समझाया कि अगर आपको दर्द है, सपोज आपको हेडेक है, तो दवाई भी तो आपको ही लेनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि हेडेक सिर्फ आपकी वाइफ को ही होता है या लेडीज को ही होता है। फिर मैंने उन्हें ये बात भी समझाई कि जिस बिग बी ने ये डायलॉग दिया था, वो उस डायलॉग से फेमस तो हो गए, लेकिन जब उनको कोरोना हुआ या उनको कोई और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, तब वो भी अपने दर्द का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। रोना कोई कमजोरी नहीं है, ना रोने में कोई मर्दानगी भी नहीं है कि अगर आप नहीं रोएंगे तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा रोबीले नजर आएंगे। मैंने उनको बोला कि अगर मर्दों को दर्द नहीं होता, मर्द रोते नहीं हैं, तो एक बात बताइए कि दुनिया में 80 से 90% तक हार्ट अटैक्स जेंट्स को क्यों आते हैं, लेडीज को क्यों नहीं आते। ये बात सुनकर वो भी सोचने पर मजबूर हो गए कि हाँ, ये बात तो सही है कि ज़्यादातर हार्ट अटैक्स जेंट्स को आते हैं, लेडीज को नहीं आते। आज वो मेरे पास आए थे अपनी खुशी को जाहिर करते हुए कि जो जो टेक्निक्स आपने दी थी, जैसा जैसा आपने करने को कहा था, मैंने वैसा ही किया और आज के दिन मैं बहुत रिलैक्स्ड, बहुत हल्का फील करता हूँ, बहुत खुश हूँ। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत आसान है, इसको कॉम्प्लिकेटेड हमने किया हुआ है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की बजाय अगर हम थोड़े सहज भाव के साथ ज़िंदगी को लें, तो शायद ज़िंदगी को जीना ना सिर्फ आसान होगा, बल्कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भर जाएंगी। दोस्तों, जब हमारे शरीर को बीमारियां घेरती हैं, तब हमें एक पीक लेवल आने के बाद पता लगता है, लेकिन हमारा शरीर बीमारी शुरू होने पर ही छोटे छोटे सिग्नल देकर समझाता है, जिसे हम समझ नहीं पाते। वो समझाता है हमें अपने आंसुओं को भींच लेने से, कड़वी बातों को चुपचाप निगल जाने से, अपने दिल पर सांकल लगा लेने से, लेकिन ये शरीर है, ये तो बोलता ही है। ये बोलता है टेबल पर
टेबल की सतह को थपथपाती हुई उंगलियों की पोरों से। ये बोलता है बिस्तर पर बेचैन पैरों की हरकतों से। गले में रुंध गई आवाज से बोलता है। दिमाग पर माइग्रेन के हमले से बोलता है। आंतों में भर गई हवा से बोलता है। पेट में भर गई आग से बोलता है। गीली हुई आंखों की कोरों से बोलता है। माथे पर तनी हुई लकीरों से और चादर पर आई हुई सलवटों से बोलता है। अनिंद्रा और ज्यादा सोने वाली अति निंद्रा से भी बोलता है। अपने आवाज पर तुम लगाम लगा सकते हो, लेकिन आपके अंदर जो संवाद शुरू हो जाता है उसे कैसे रोकोगे? हम बीमार इसलिए होते हैं क्योंकि ना पचने वाले रेशों को भी अपने दिल में समेटे हुए हैं। दर्द हमेशा हमारे साथ रहने के लिए नहीं आया है। ये तो सिर्फ एक पॉज है, पूर्ण विराम नहीं, ताकि आप अपने आप से जुड़ सके, देख सके कि ये दर्द कहाँ से आया है, किसके साथ बतियाने से ये दर्द गायब हो सकता है। बोलना हमारी आत्मा को सुकून पहुंचाता है, इसीलिए लिखो, कुछ भी लिखो, चाहे किसी को प्यार जताना हो, खरी खोटी ही सुनानी हो, तो एक खत लिखो, अपनी कथा लिखो, अपनी व्यथा लिखो, एक किताब लिखो, एक कविता लिखो, कोई गीत गाओ, जितना भी तुम बुरा गाते हो फिर भी गाओ। कम से कम ये एहसास तो होगा कि जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है जितना बुरा आप गाते हैं। बच्चे जैसे झूम जाओ, नाचने की मुद्रा में आ जाओ, कलाकार बन जाओ, कैनवस पर अपने मन की व्यथा को, अपने मन के रंग बिरंगे भावों को उतार दो। दोस्तों से मिलो, फोन पर ही सही पर बतियाओ, पार्क में दौड़ लगाओ, अपनों से बातें करो, और ना कोई मिले तो कुत्ते से ही बतियाओ, उड़ती हुई चिड़िया को बाय बाय कराओ, कुछ नहीं तो आसमान देखकर चिल्लाओ, चलो और कुछ ना सही तो मॉल में जो बुजुर्ग गेटकीपर आपके लिए गेट खोलते हैं, एक बार उनको ही थैंक्स भाव से मुस्कुरा कर आओ। होटल के शेफ के लिए आभार बोलाओ, रंग बिरंगी फूलों पर उड़ती हुई तितलों को पकड़ने के लिए मचल जाओ। बस चुप मत रहो, तुमने जो झेला है अगर उसे निगल लिया तो डूबने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा ना बचेगा। आखिर तुम्हारा दिल दिल है, कोई गोदाम तो नहीं, कोई कबाड़ खाना तो नहीं है ना दोस्त? जब घर का अनयूज सामान गांठों में बांधकर पोटली बनाकर एक तरफ रख दिया जाता है, ऐसे ही जब मन के भाव यूज नहीं होते, कहीं बाहर नहीं निकलते, तब वो अंदर स्टोर हो जाते हैं। तब वो गांठे बॉडी में थायराइड का, रसौली का, गठिया का रूप लेकर, यानी अंदर के भावों का फ्लो रुक जाता है। तब ये शरीर बोलता है, क्योंकि आपका ये शरीर सब जानता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी भारीपन है, कोई भी बात है, तो बोल दो, लिख लो, चिल्ला लो, रो लो, लेकिन हल्के हो जाओ, अपने मन को भारी मत होने दो। और ये बात गलती से भी अपने मन में मत बिठाओ कि रोना मर्द को शोभा नहीं देता। रोने से या दुख को प्रकट करने से मर्द या औरत के होने का कोई ताल्लुक नहीं है।